तो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए या किसी भी तरह का अन्य नशा करके गाड़ी चलाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो ड्रिंक एंड ड्राइव में, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था यूजुअली कि हम फाइन करके आपको चालान करके छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव जो है अब वो क्राइम में आता है। देखो दो चीज़ होती है ना, एक होता है रूल, एक होता है लॉ। अगर आप किसी रूल का वॉयलेशन करते हो तो आपको फाइन होता है, जैसे कि हेलमेट नहीं लगाना, ये ट्रैफिक रूल्स में आता है ना, अपनी साइड से चलना, तीन लोगों को ना बिठाना, ये ट्रैफिक रूल्स हैं। अगर आप इनका वॉयलेशन करोगे तो आपको चालान होगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉ का वॉयलेशन करते हो तो वो क्राइम में आ जाता है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव जो है अब वो क्राइम है। तो अभी जो चला है ना कि शराब पीने के बाद फुल हो जाने के बाद लड़के लोग कह रहे थे ना कि अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो अब अगर गाड़ी भाई चलाएगा तो भाई सीधा जेल जाएगा और फिर भाई बहुत पछताएगा। इसलिए शराब पी करके गाड़ी भाई नहीं चलाएगा और अपनी और सामने वाली दोनों की ज़िंदगी बचाएगा।